भाई 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भाई मराठी को बधाई देती हूँ। सेवा रसोई का जो आज संचालन किया गया है, माननीय संगठन मंत्री रविंदर राजू जी आज हमारे बीच में आए हैं, इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। मैं आज यहाँ पर प्रदेश की सेवा रसोई की संयोजक के नाते से आई। पूरे प्रदेश में 22 के 22 जिलों में माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के आदेशानुसार, संगठन मंत्री जी साथ हैं उनके आदेशानुसार, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा किसी भी किस्म की कोई कमी सुविधाओं में नहीं दी जा रही, लेकिन ये शुद्धता से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है। सेवा रसोई का मकसद सिर्फ इतना है, कोई भूखा न सोए। और मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष होने के नाते, महिलाएं हमेशा सुरक्षा कवच होती हैं, जिस तरीके से अपने परिवार में हर व्यक्ति का ध्यान रखती है पौष्टिक आहार देकर, इसी तरीके से माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इस संयोजक मुझे नियुक्त किया। तो मैं सभी जिला अध्यक्षों से मेरी निरंतर चर्चा हो रही है, दिल्ली की मैं रिपोर्ट ले रही हूँ। कल भी करीबन परसों हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 5,000 पैकेट्स गए थे, कल संख्या ये 10,000 से 12,000 चली गई और ये रोज़ बढ़ रही है। मैं मानती हूँ कि आज सभी जिलों में ये जहाँ कमी थी थोड़ी बहुत वो चालू हो गई है। ये पूरी तरह से सेवा ही संगठन है, जिस तरीके से उस भाव से काम किया जा रहा है। नीना बहन जी ने निर्णय लिया, जब हम गुड़गांव विजिट कर रहे थे तो गार्गी कक्कड़ जी ने, जो खास तौर से प्रेग्नेंट वुमेन है, हम पॉली क्लिनिक भी गए थे, उनके लिए पौष्टिक भोजन दिया जा रहा था। हर पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, पूरे विधायक है, मिनिस्टर है, MLA है, पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, पूर्ण रूप से सेवा में लगाया है। जिस महिला के पास 10 चपाती अपने घर से अलग बनाने की पोजीशन है, वो 10 बना के गुरुद्वारों में दे रही है, वहाँ से पैक होके जा रहा है, किसी संस्था को दे रही है, पार्टी कार्यालय में दे रही है, उस तरीके से हर जिले में 5 से 7 रसोइयों का संचालन हो रहा है। जैसे भाई नरेश जी बता रहे थे, 1 सप्ताह पहले एक शुरू कर चुके हैं, आज एक इन्होंने कर दी। हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इसका मुख्य उद्देश्य है, सबसे सर्वप्रथम कोई भी कोरोना पीड़ित व्यक्ति भूखा ना रहे। लड़ाई कोरोना से लड़ने की, जब पौष्टिक आहार लेगा तो उसकी ताकत बढ़ जाती है, प्रथम उसको पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। और ये जिम्मा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वयं से लिया है। आप देखेंगे जिस एनर्जी से मुझे आज भी इतने फ़ोन आ रहे हैं, कल भी आ रहे थे, एक होड़ लगी है कि मैं भी सेवा रसोई का संचालन करूं। इससे भाव नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन है, इसको चरितार्थ करती है। आपने एक प्रश्न पहले भाई साहब से पूछ रहे थे, किसके लिए है। कोरोना पॉजिटिव जो है, खास तौर से ये हमने उन महिलाओं को भी आइडेंटिफाई कर रहा है जो बहनें गर्भवती हैं और जिनको पौष्टिक आहार की आज आवश्यकता है या उनके घर में नहीं। हम विशेष तौर पे ध्यान दे रहे हैं, कोई बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव हो गया, परिवार में खाना देने वाला कोई नहीं बचा, जो बीमार हैं। खास तौर से मैं एक चर्चा और करना चाहती हूँ, जो शमशान घाट में लगे हुए हैं भाई हमारे, उनको भी खाना बहुत सारे जिलों से, सभी जिलों से लगभग पहुँचाया जा रहा है। कोई भी, हमें जहाँ लगता है जहाँ कम वहाँ हम, इस थ्योरी पर यह सेवा रसोई काम कर रही है। हमने कुछ परिवार आइडेंटिफाई करने में लगे हुए हैं, जो गांव में भी हैं, शहरों में भी हैं। देवतुल्य हमारे बुजुर्ग जो अकेले पड़े हुए हैं, बच्चों को कोरोना हो गया, उनको संभालने वाला, वहाँ पर भी ये सेवा रसोई काम करेगी। सिर्फ एक मूल मंत्र के साथ काम कर रही है, जहाँ कम वहाँ भारतीय जनता पार्टी, इसके साथ हम लगे हुए हैं।